हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम गुजकेट का 2021 का पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट को हम कंसीडर करेंगे। ये इंग्लिश मीडियम के लिए पेपर है और उसका टोटल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से और फिजिक्स का सॉल्यूशन हम रख रहे हैं आपके सामने। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिलेगा हमें 6 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। सेकंड क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको कंसीडर होगा 2.51 × 10⁻²। थर्ड क्वेश्चन है तो उसका आंसर कंसीडर होगा 45 डिग्री, जो एंगल बनेगा वो। फोर्थ का जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 1.78 × 10⁻⁷। ऐसे ही आप देखें तो 5 का आंसर आपको मिलेगा 1.43 × 10⁵ जूल पर मीटर क्यूब। और 6 का जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा L इज डिक्रीज, मीन्स आपको जो आंसर होगा वो क्या होगा, B होगा। L इज डिक्रीज एंड A इज इंक्रीज। 7 नंबर की बात करें तो उसको आंसर आपको मिलेगा 630 VB, मीन्स WB जो आंसर होगा वो। 8 का आंसर देखें तो आपको मिलेगा 2.1 एंगस्ट्रॉम। 9 का आंसर कंसीडर करें तो आपको मिलेगा 127 × 39 हर्ट्ज। और 10 का आंसर जो कंसीडर करें तो आपको मिलेगा 33.33, जो आंसर पूरी तरह से आप सॉल्व आउट कर सकते हो। 11 नंबर की आंसर देखें तो आपको मिलेगा 88 मेगा हर्ट्ज से लेके 108 मेगा हर्ट्ज तक। 12 नंबर का आंसर कंसीडर करें तो आपको मिलेगा 6.3 जूल, मीन्स वी अपॉन एम। और उसके बाद 13 नंबर का आंसर जो कंसीडर करें तो मिलेगा आपको ए आंसर है, और उसके जो अलावा जो सी आंसर है उसको आप कंसीडर करना क्योंकि वही राइट आंसर है, 2 cos − 1 u inversely 2। 14 नंबर का आंसर की बात करें तो आपको आंसर मिलेगा 15 सेंटीमीटर, राइट। मीन्स आपको जो आंसर है वो जो दिए जा रहे हैं वो 20 वीक के ऊपर दिए जा रहे हैं। 14 नंबर का आंसर रह गया तो उसका आंसर रहेगा 1.15। आगे देखें तो आपको मिलेगा 16 नंबर का जो आंसर है वो मिलेगा 12 सेंटीमीटर, मीन्स जो टैंक है उसको फिल होने के लिए वाटर टू हाइट ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड फाइंड द अपरियन डेप्थ ऑफ द नीडल लेइंग इनटू द 12 सेंटीमीटर। 17 है तो उसका आंसर आप कंसीडर कर सकते हो 50 मीटर, जो अप्रोक्सीमेटली जो 500 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसके नियर बाय होगा। 18 नंबर की बात करें तो द वेवलेंथ ऑफ द लाइट 500 नैनोमीटर इज यूज टू द यंग डबल स्लिट एक्सपीरियंस डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, जो आप कंसीडर करें तो आपको आंसर मिलेगा 1 मिलीमीटर, राइट। चलो आगे देखें तो 19 नंबर है तो उसका आंसर आप कंसीडर करो तो सोडियम मिलेगा, मीन एन ए आएगा उसका आंसर, मीन एन और ए। वैसे ही 20 नंबर की बात करें तो आपको आंसर मिलेगा 1.53 एंगस्ट्रॉम। और 21 है तो उसके लिए आप आंसर कंसीडर करो तो आपको मिलेगा सी, मीन्स बी आंसर मिलेगा, एच इंटू ई। 22 की बात करें तो आपके लिए आंसर होगा 4/r, मीन्स जो दिखाई दे रहा है वही उसका आंसर है मेन, राइट। 23 की बात करें तो आपको आंसर मिलेगा 8.48 × 10⁻¹⁰, जो क्या होगा उसके लिए संपूर्ण, मीन्स कंप्लीटली आपको मिलेगा। 24 की बात करें तो आंसर होगा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अने हाउ मेनी न्यूट्रॉन विल बी प्रोड्यूस फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूजन, तो कितने हो गए, 3 हो गए फ्यूजन की वजह से जो क्रिएट हो गया वो। 25 हाफ लाइफ टाइम ऑफ द 16 ईयर आप कंसीडर करें तो कितनी होगी, 64 ईयर होगी। और 27 तो 3 gem 2, मीन्स आप देखें तो व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉर द स्टेबिलिटी, व्हाट इज द एनर्जी बैंड गैप ऑफ द पी टाइप एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यूज्ड टू फॉर्म अ LED टू प्रोड्यूस द रेड लाइट कलर, तो रेड लाइट कलर फॉर्म होने के लिए कितना होगा, 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट। एंड फुल्ली वेवलेंथ रेक्टिफिकेशन इनपुट फ्रीक्वेंसी आप देखो तो कितनी होगी, 120 हर्ट्ज होगी। और 13 जो है उसके लिए जो आंसर होगा वो होगा OR गेट, जहाँ से आप जो सर्किट है वो बिहेव करेगी लॉजिकल ऑपरेशन की तरह। 31 उसका आंसर होगा 3√2 gem 1। 32 जो 3.52 × 10⁻¹⁵ ms, और 33 की बात करें तो उसका आंसर आएगा
टू, टेन रेज टू माइनस टेन एन सी, मीन्स आप देखो तो टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेज टू माइनस टेन न्यूटन कूलम इनवर्स उसका आंसर होगा। 34 उसका आंसर मिलेगा आपको डी एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। 35 जो है उसके कंसिडर करें हम तो उसका आंसर होगा आपको मिलेगा टू यू एफ, मीन्स जो एरिया है वो कितना होगा कैपेसिटर का टू यू एफ। 36 की बात करें तो उसका आंसर होगा एस सी एल एंड एच टू ओ, मतलब मीन्स बी आंसर आएगा जो उसका राइट आंसर है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। और 37 तो उसका आंसर होगा 100 ओहम, राइट। 38 की बात करें तो आपकी जो फिगर आउट की गई है उसका आंसर मिलेगा 1/9। और जो पूरा 39 जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो उसको आंसर आपको लिखना है 2.1 वोल्ट। और 40 के लिए आपको लिखना है टोटल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 2πBr3 इंटू यू नॉट, मीन्स इसको जो कंसिडर करोगे तो आपको पूरा सॉल्यूशन जो है वो आप कंसिडर कर पाओगे। मीन्स ये जो पूरा आपको जो आंसर मिला है वो किसके लिए मिला है, आपको इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उसके लिए ये पेपर का सॉल्यूशन रखा जा रहा है। तो इसमें भी कोई भी डाउट है, मीन्स आपको कोई भी क्वेरी है कि इसका आंसर गलत है तो क्यों गलत है, उसका भी आप सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि जिससे हमें भी पता चले कि कहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है। तो वैसे ही दूसरे फिजिक्स है तो वैसे ही आप केमिस्ट्री का या आप बायोलॉजी का कोई भी पेपर है वो हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, राइट। और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।